नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपना लाइफ डॉट न्यूज। दोस्तों, आज हम अपना लाइफ के नए एपिसोड अपना हेल्थ पहुंच चुके हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, शहर के जाने माने चिकित्सक, समाज सेवी, उनके पास। तो चलिए जानते हैं सीधे डॉक्टर साहब से टीबी रोग का लक्षण क्या है, उसके बारे में सारा डिटेल जानते हैं। और आज के एपिसोड में शुरुआत हो रही है। सबसे पहली कड़ी आज हम लोग जानेंगे पटना शहर के, बिहार के जाने माने चिकित्सक, समाज सेवी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से टीबी रोग के बारे में। आखिर टीबी रोग के कारण क्या है, तो खुद इन्हीं से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना लाइफ के इस पहले एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जानना चाहेंगे कि टीबी के कारण क्या होते हैं। देखिए, टीबी एक बैक्टीरियल रोग है, कीटाणु जो होते हैं बैक्टीरिया के, उससे जनित होता है। और इसके जो प्रमुख कारण होते हैं वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। कोई भी टीबी का रोगी, यदि उसे फेफड़े में टीबी है, वो खांसता है तो उसकी खांसी में कीटाणु वातावरण में फैलते हैं। एक बार की खांसी में यदि किसी को फेफड़े की टीबी है और वो दवाई का सेवन नहीं कर रहा है और उसके कखार में जो कीटाणु आ रहे हैं, तो एक बार की खांसी में एक व्यक्ति के कखार से करीब करीब हजारों की संख्या में कीटाणु वातावरण में जाते हैं और वो 6 फीट के अंदर, 12 फीट के अंदर कोई भी व्यक्ति रहता है उसको संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। तो मुख्यतः जो टीबी एक से दूसरे में फैलता है, वो खांसते वक्त, छींकते वक्त के जो रोगी होते हैं उनसे दूसरे स्वस्थ रोगियों को इफेक्ट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। इसमें कुछ एज लिमिटेशन भी है क्या? बच्चों को भी हो सकता है, बड़े के भी हो सकता है, ऐसा? जी, इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिनमें पहले से कोई ऐसी रोग है, जैसे एचआईवी एड्स, जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है, उसमें ये रोग होने की संभावनाएँ ज़्यादा प्रबल होती हैं। जो डायबिटिक है, जो कंट्रोल्ड डायबिटीज़ नहीं रख रहे हैं, उनमें ये सामान्य पॉपुलेशन के 10 गुना अधिक होने की संभावनाएं होती हैं। तो इस तरह के जो पॉपुलेशन इम्यूनोलॉजिकली वीक है या कोई अन्य रोग से संक्रमित है, उसमें ये रोग होने की संभावनाएं थोड़ी अधिक होती हैं। आखिर में इस रोग के बारे में आम आदमी इसके लक्षण को कैसे पहचान सकता है कि इसका लक्षण क्या है? देखिए, इस रोग के जो लक्षण हैं, अगर फेफड़े की टीबी है, चेस्ट जो इन्फेक्शन है, खांसी वाली आती है, तो उसमें खांसी होती है, बलगम आते हैं, खखार में ब्लड भी आ सकता है, वजन का कमना हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, साथ ही साथ भूख नहीं लगना, ये सब फेफड़े वाली टीबी के मुख्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा टीबी एक ऐसा रोग है जो किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। मस्तिष्क से लेकर के ब्रेन टीबी हो सकती है, टीबी मेनिंजाइटिस हो सकती है अगर मस्तिष्क के कवरिंग को इफेक्ट करता है, मस्तिष्क के अंदर टीबी का ग्रोथ होता है, ट्यूबरकुलोमा कहते हैं। उसके अलावा नीचे आए तो गिल्टियाँ हो सकती हैं, सर्वाइकल ग्लैंड होते हैं, वहाँ पर टीबी के ग्लैंड्स हो सकते हैं, कोल्ड एब्सेस कहते हैं, वो दर्द भी टोटल कितने टाइप से टीबी के, मतलब रोग होते हैं? टीबी के मुख्यतः एक कहते हैं पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़े का टीबी होता है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जो फेफड़े के इधर की टीबी होती है, जो फेफड़े के अलग टीबी होती है, वो ब्रेन का टीबी, ग्लैंड का टीबी, पेट का टीबी, हड्डियों का टीबी, जोड़ों का टीबी, और इसके अलावा आंतों की टीबी, किडनी की टीबी, अन्य सभी अंगों को टीबी प्रभावित कर सकता है। और इस तरह से अलग अलग जो ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स के लक्षण आते हैं। इससे बचने का उपाय, हम लोग जो आम आदमी, जो लोग खासकर तो शहर में जो लोग रहते हैं वो तो जागरूक रहते हैं, गांव देहात में जो लोग रहते हैं, तो इसको बचने का उपाय किस तरीके से लाइफ स्टाइल अपनाएं? जो सबसे पहले कि सभी बच्चों को BCG का टीकाकरण करा देना चाहिए। BCG का टीकाकरण से गंभीर टीबी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि यंत्र तक खांसना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, और खांसते वक्त मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, जिससे कि टीबी के कीटाणु वातावरण में न फैले और इस किसी को संक्रमित न करें। और तीसरी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति को यदि 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी है आपके आसपास के घर के ग्रामीण क्षेत्रों में, तुरंत उसे निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ जाँच करवाएँ। निःशुल्क जाँच होती है, निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था है, और टीबी रोगियों को अब सरकार के द्वारा प्रति माह 500 रुपये मिलता भी है। तो आप सरकारी स्तर पर जाएं और अपनी खार की जांच निःशुल्क करवाएं, और इससे वातावरण में टीबी फैलने से भी बचेगा, वो व्यक्ति भी स्वस्थ हो पाएगा। इसके बचाव, जैसे ऐसा कोई जो चाहे कि हमको नहीं हो, इसके बचाव कैसे किया जा सकता है कि इससे बचे रहे हम? आप अपने को स्वस्थ रख करके पहला, सबसे पहले खान पान पर ध्यान रखना है। दूसरा, जो धूप होता है वो टीबी का दुश्मन होता है, तो हवादार घर हो,
उसमें धूप आती रहती हो, इसका ध्यान रखना है। तीसरा, यदि किसी भी आपको यदि कभी भी खांसी आ रही है तो तुरंत उसका इलाज देखा करके जांच करा के इलाज शुरू कर देनी है, और इस तरह से आप अपने भी बच सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और दूसरों को भी होने से बचा सकते हैं। अच्छा, तो इसके इसके अभी जो एक्सपेंसेस लगते हैं, जो खर्चे लगते हैं, जैसे जो लोग गरीब हैं तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था है? जी, अभी टीबी के लिए बहुत सुदृढ़ व्यवस्था सरकार की ओर से चल रही है, जिसमें जितने भी कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब हो, अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी है, हर एक फेफड़े के टीबी के लिए उनकी निःशुल्क जांच की व्यवस्था हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर है। माइक्रोस्कोपी सेंटर में उनके प्रकार की जाँच होती है, अगर उसमें टीबी का कीड़ा निकलता है तो वो निःशुल्क पूरी जाँच की दवाइयाँ मिलती हैं, और साथ ही साथ 500 रुपये का उनके आने का खर्च और खाने के लिए भी पैसा मिलता है। तो ये पूरी तरह से निःशुल्क इसकी है जांच की व्यवस्था है। लेकिन जिसको पेट का टीबी है या ब्रेन का टीबी है या हड्डियों की टीबी, उसकी जांच की व्यवस्था भी निःशुल्क नहीं है। वो जल्द से जल्द अपनी जाँच करनी चाहिए, उसके लक्षण अगर आ रहे हैं तो, और उसके अनुरूप दवाइयों का सेवन निःशुल्क होता है। लेकिन जिनको टीबी है उनको खान पान में क्या बचाव कर रखना चाहिए कि जिससे मतलब और रोग नहीं बढ़ पाए? टीबी के रोगियों को सबसे पहले जरूरी है कि टीबी के रोग की सही खुराक सही मात्रा में सही समय तक अवश्य लें। दूसरी, कि खान पान नियमित रखें और पौष्टिक ताज़ा बना हुआ आहार लें और हाई प्रोटीन डाइट लें तो बढ़िया है, जिसमें कि मीट मछली अंडा प्रोटीन दाल ये सब अच्छा रहे, उससे और बढ़िया रहे। कौन कौन सा चीज़ नहीं इसमें परहेज करना है? इसमें नशे से परहेज करना है, किसी तरह का नशा टीबी के रोगियों को जो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं नहीं करना है, जैसे सिगरेट, धुआं, गांजा या शराब, ये सब वर्जित होते हैं, क्योंकि ये सब टीबी की दवाइयों जो लीवर से मेटाबोलाइज करती हैं, वो नशा के कारण से, अल्कोहल के कारण से उसमें लीवर पर इतना जोर आ सकता है, जॉन्डिस करा सकता है, फेफड़ों का धुआं के द्वारा जो टीबी के कीटाणु बैठे हुए हैं अगर वो धुआं लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो वो हार्मफुल हो जाएगा और बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। अभी भी इसका कुछ कोर्स का लिमिटेशन है? देखिए, कम से कम 6 से 9 महीने की कोर्स चलती है, और अगर कोई व्यक्ति बीच में दवाई छोड़ते हैं, समझते हैं कि हम तो स्वस्थ हुए और बीच में दवाई खाए छोड़े, तो वैसे विशेष परिस्थिति में बहुत गंभीर टीबी, जिसे एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, एक्चुअली हम यही जानना चाहते हैं कि जब ये अपने लास्ट स्टेज में पहुँचता है, जो लोग परहेज नहीं करते या टाइमली दवा नहीं खाते, तो वो उसके बाद का क्या स्थिति होता है? देखिए, बहुत गंभीर प्राण घातक स्थिति होने लगती है यदि टीबी के रोगी टीबी की दवाइयों का पूरा सेवन नहीं करते हैं और बीच में दवाइयां छोड़ते हैं, अपना दवाई खाते हैं फिर छोड़ते हैं। इस तरह की विशेष परिस्थिति में टीबी के कीटाणु जो होते हैं वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, और उसके बाद वो टीबी की जो सामान्य दवाइयाँ हैं उनसे उनका कोई नुकसान नहीं हो पाता और बढ़ते जाते हैं, और इसे हम लोग एमडीआर टीबी कहते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें प्रथम पंक्ति की 2 महत्वपूर्ण टीबी की दवाइयाँ आइसोनियाज़िड और रिफाम्पिसिन, इससे प्रतिरोधक क्षमता वाला टीबी हो जाता है, और ये दोनों दवाइयाँ बेकार हो जाती हैं, कोई काम नहीं कर पाती हैं। और इस एमडीआर टीबी की जो रोगियों की इलाज होती है कम से कम 1.5 से 2 साल होती है, और वो उसमें मॉर्टिलिटी रेट मृत्यु दर बहुत हाई होता है, करीब करीब 50% रोगियों की मृत्यु हो जाती है, और इससे भी भयावह स्थिति होती है अगर ये दवाइयों का भी सेवन उलट उलट होता है, कभी खाए छोड़े, तो उसमें एक्सडीआर टीबी हो जाती है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। उसमें इन दोनों प्रथम पंक्तियों की दवाइयाँ आइसोनियाज़िड रिफाम्पिसिन से प्रतिरोधक के साथ साथ द्वितीय पंक्ति की 2 महत्वपूर्ण दवाइयाँ जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, एमिकासिन, कैनामाइसिन, और साथ ही साथ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ड्यूओफ्लॉक्सासिन, क्विनोलोन्स, इन दोनों से भी रेजिस्टेंट हो जाता है, और वो करीब करीब आप समझें कि 8 से भी ज़्यादा भयावह है, उसमें अगर एक्सडीआरटी भी हो गया तो बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा ऑर्गन करता है जैसे टीबी होने के वजह से? उसके बाद सबसे कॉमनली इफेक्ट जो होता है, जो सामान्य रूप से टीबी फैलता है, वो फेफड़े का टीबी होता है। इसके अलावा फेफड़े की जब टीबी हो जाती है, उसके अलावा बहुत लोगों को पेट का टीबी भी हो जाता है, और इंडियन कंडीशन में देखा गया कि फेफड़े का टीबी, उसके बाद पेट का टीबी, उसके बाद ब्रेन का भी टीबी, गिल्टियाँ जो सर्वाइकल ग्लैंड होती हैं, इन सब टीबी बहुत कॉमनली पाए जा रहे हैं। आजकल पटना शहर में या कोई भी शहर में आप देखते होंगे धूल धक्कड़ रोड पे चलते फिरते, ऐसा किस तरीके से अपनाएं, मतलब किस टाइप से परहेज लोग करें, जो क्योंकि काम काज तो रहता ही है, सड़क पे निकलना ही है, धूल पड़ना ही है, जिससे मतलब आम जो होता है, जो रोग का ये होता है लक्षण होता है कि तुरंत इफेक्ट कर, ऐसे किस चीज़ से बचना है, मतलब कि जिससे नहीं हो? देखिए, सबसे पहले अपने को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ दिनचर्या रखनी है, खान पान में स्वच्छता रखनी है, और जो प्रॉपर हाइजीन होता है उसे मेंटेन करना है, जैसे खाने के वक्त हाथ धोकर कहीं खाना खाए, हैंड वॉशिंग, जिससे कि कोई भी अगर इन्फेक्टिव मटेरियल आप कहीं गए दरवाजा पकड़े, कोई टीबी का रोगी वहाँ पर अगर कभी भी टीबी का खान का क्या कहीं भी अंश लगा हुआ है वो आपके हाथ में आया हुआ है, आप उसी से फिर खाना खा दे रहे हैं, तो वो या कोई और इन्फेक्शन है तो वो भी आपके पेट में चला जाता है, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है,
हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को रुमाल रखना चाहिए, जैसे खांसते वक्त मुँह पर और नाक पर छींक के द्वारा कहीं इधर उधर स्प्रेड अगर कोई भी इन्फेक्शन है, टीबी भी स्प्रेड कर सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे वायरल डिजीज आते हैं, आप देखते हैं स्वाइन फ्लू आज जानलेवा होता है कभी, तो वो भी नहीं फैल सकता है। इन सबों के अलावे अपने घर को हवादार जरूर रखें, जहाँ भी रह रहे हैं आप वहाँ देख लें, बच्चे जा रहे हैं आज हॉस्टल जाते हैं पढ़ने के लिए, कंजेस्टेड रूम में रहते हैं और बहुत सारे लोगों को टीबी भी हो जाती है, क्योंकि कहीं वहाँ हवा निकलने का कहीं कोई ये सोल्यूशन नहीं है और पढ़ाई के धुन में इतने लगे हुए हैं। जो कोचिंग के बच्चे आते हैं बहुत बार ऐसे जगह से बच्चों को टीबी की इन्फेक्शन हम लोग को आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ने गए हैं और उनको ऐसी कोठरी में रखे हुए हैं जहाँ ना धूप है ना कुछ है ना हवा है, और वो बच्चे पढ़ने में तन्मय हैं और पढ़ाने के चक्कर पढ़ाई के चक्कर में खान पान भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और टीबी रोग से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो हवादार घर होना भी बहुत आवश्यक है, धूप आना, रोशनी आनी चाहिए, साफ सुथरा घर होनी चाहिए, पहनावा हवा सही होनी चाहिए। तो अब अंतिम हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि हम लोग का पहला एपिसोड है और दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हम लोग अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। और अभी आपने जाना कि टीबी का कितना जानलेवा बीमारी है, अगर उसका रोकथाम हम लोग नहीं करते हैं सही समय पे, दो सप्ताह से ज़्यादा अगर खांसी होती है तो उस समय तुरंत मिलना है डॉक्टर से। नई जानकारी के साथ बने रहें अपना लाइफ डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।